हाय गाइस, आई एम सुदोफ, वेलकम बैक टू माय चैनल यू एंड मी। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यू एंड मी को और बेल बटन पे क्लिक करें ब्यूटी मेकअप कुकिंग एंड डीआईवाई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा डार्क सर्कल पे है। डार्क सर्कल के कई रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी हाइड्रेटरी, एजिंग, ड्राई स्किन, वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, प्रोलॉन्ग क्राइंग, सम मेडिकल इश्यूज एंड मेनी मोर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक खीरा और एक आलू। हमें इन दोनों को छीलकर अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमें एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। और इसी तरह मैं आलू को भी कद्दूकश कर लूंगी। कद्दूकश करने के बाद हमने एक स्ट्रेनर लेकर इसके सारे जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और इस तरह से मैंने दो अलग बोल में, एक में आलू का रस और दूसरे में खीरे का रस निकाल लिया है। और अब एक क्लीन बोल लेकर मैं इन दोनों जूस को एक साथ मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, आलू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज तो होती ही है। आलू में कैटेक्लेज नाम का एंजाइम भी होता है जो आई की पफिनेस को दूर करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। और कुकुम्बर के हम सभी जानते हैं कि कुकुम्बर हमारी आईज़ को सूदनिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, पफिनेस को रिड्यूस करता है, स्किन को लाइट करता है बहुत इजली। और इन दोनों को मिक्स करके एक साइड रख देना है। नेक्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए मिंट लीव्स और एक टमाटर। दोनों को अच्छे से वॉश कर लें और एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर लेना है हमें। फ्रेंड्स, टमाटर में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो हमारे अंडर आई स्किन के डिस्कलरेशन को बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं। टमाटर में लाइकोपिन नाम का एंजाइम है जो हमारी आईज़ की पफिनेस को रिड्यूस करता है और डिस्कलरेशन को भी कम करता है। इस तरह से एक क्लीन बोल लेना है हमें और हमें 2 टीस्पून टमाटो जूस लेना है और 2 टीस्पून पुदीने का, मिंट लीव का जो जूस हमने एक्सट्रैक्ट किया वो लेना है। मिंट लीव हमें कूलिंग एंड सूदनिंग इफेक्ट देता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा है। लास्ट एंड थर्ड रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक बोल। बोल में मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून कॉफ़ी ले रही हूँ और इस कॉफ़ी को मैं 2 टीस्पून रोज वाटर से मिक्स करूँगी। कॉफ़ी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। कॉफ़ी में कैफीन है जिसे वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, पफिनेस रिड्यूस होती है। कॉफ़ी हमारे ब्लड वेसल्स को श्रिंक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को स्टिमुलेट करता है। कॉफ़ी हमारे स्किन में बहुत ईजली एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। और कॉफ़ी हमारा मिक्स हो चुका है और इसे एक साइड कर लेंगे। और हमारी तीनों रेमेडीज रेडी हैं, खीरे और आलू का मिक्सचर, टमाटो और मिंट का मिक्सचर, कॉफ़ी एंड रोज वाटर का मिक्सचर। और इसे अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए कॉटन पैड्स। आप किसी तरह का भी कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रॉन्ज कॉटन ले रही हूँ, कॉटन पैड्स। और इसे हमें 2 पार्ट में कट कर लेना है सीजर की हेल्प से। इस तरह से 2 पार्ट में हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें। आगे मैंने डार्क सर्कल क्रीम शेयर किया है और कुछ डू एंड डोंट्स भी बताए हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और हमें इस तरह से कॉटन पैड्स को मिक्सचर में डिप कर लेना है, तीनों मिक्सचर में। और इस तरह से इन तीनों मिक्सचर में कॉटन डिप करने के बाद इस कॉटन को मैं 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लूंगी। 1/2 घंटे हो चुके हैं और हमारा चिल्ड पैड्स बिल्कुल रेडी है। और मैं कॉफ़ी वाला अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इस तरह से चिल्ड कॉटन पैड्स लगाने से हमारी आईज़ की पफिनेस भी इंस्टेंट कम होती है और ये बहुत रिलैक्सिंग है, सूदिंग है। और इस तरह से मैं दोनों आईज़ पे
इसे लगाकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। आप चाहें तो आईज क्लोज करके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी मोस्ट ऑफ द स्किन की थिकनेस 2-3 mm होती है, लेकिन हमारी अंडर आईज के स्किन की थिकनेस 0.5 mm होती है, और इस थिन स्किन की वजह से हमें वहाँ पे अंडर अंडर जो बिनिथ हमारी वेन्स है, ब्लड वेसल से, वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, इसलिए वहाँ पे हमें डिस्कलरेशन भी बहुत ज़्यादा दिखता है। फ्रेंड्स, पर्सनली मैं लेमन को कभी भी अपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती हूँ। हमें लेमन को हमेशा किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके यूज़ करना चाहिए, और अंडर आइज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लेमन का यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। लेमन बहुत एसिडिक होता है, उसका पीएच भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारी अंडर आइज़ की स्किन को बहुत डैमेज कर सकता है, क्योंकि हमारी अंडर आइज़ की स्किन बहुत थिन होती है। और 15 से 20 मिनट के बाद आप इसके इस कॉटन पैड को हटा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डार्क सर्कल क्रीम। आइए देखते हैं इसे किस तरह से हमें बनाना है। डार्क सर्कल क्रीम बनाने के लिए हमें एक क्लीन एंड ड्राई बोल चाहिए। उसमें मैं ले रही हूँ 1 teaspoon एलोवेरा जेल, और नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है बादाम का तेल, आलमंड ऑयल 1/2 teaspoon। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 vitamin E कैप्सूल, और इस तरह से मैं फिंगर्स के बीच में इसे वार्म कर लूँगी, और इसे कच करके स्क्वीज कर लेना है हमें। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 teaspoon से भी थोड़ा कम ही, मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। यहाँ पर हमें 1/2 teaspoon से थोड़ा सा कम लेना है। और लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा है पेपरमिंट ऑयल। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। पेपरमिंट ऑयल मुझे पर्सनली बेहद पसंद है, ये बहुत सूदनिंग, रिफ्रेशिंग होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, तो मैं बस यहाँ पे 2 drops ऑफ पेपरमिंट ऑयल ले रही हूँ। अगर आप पेपरमिंट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1-2 drops ही डालना है, 2 drops से ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और इन सारे इंग्रेडिएंट को अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे तब तक मिक्स करते रहें तब तक जब तक ये एक क्रीमी टेक्सचर ना बन जाए हमारा। आप 2-3 minutes तक इसे विग्रेसली आप मिक्स करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। 2-3 minutes हो चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे, और हमारा क्रीम, डार्क सर्कल क्रीम बिल्कुल रेडी है। मैं एक एम्प्टी क्लीन जार लूँगी इस तरह का, और इसमें पोर कर लूँगी। ये जार मैंने अमेज़ॉन से लिया है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। और ये क्रीम जो हमारा रेडी हुआ है, आप इसे आराम से 1-2 weeks आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे आपको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये हमारा नाइट क्रीम रेडी है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको इस क्रीम को अपनी रिंग फिंगर में लेना है। रिंग फिंगर में हमें इसलिए लेना है क्योंकि रिंग फिंगर में सबसे कम प्रेशर होता है, और हमें अपने आईज पे प्रेशर नहीं डालना है बिल्कुल भी हल्के। अगर आप रिंग फिंगर से ना भी करो मसाज, तो मेक श्योर कि बस आप अपने हल्के हाथों से करो, बिल्कुल हैंड को लाइट रखिए, प्रेशर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्किन ऑलरेडी वहाँ पे बहुत थिन है, और ब्लड वेसल्स डैमेज होने का ख़तरा बना रहता है। तो इसलिए बिल्कुल जेंटली करें, हल्के हाथों से करें, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है हमें 2-3 minutes के लिए, और ये सारा क्रीम हमारे स्किन में बहुत ईजली एब्जॉर्ब हो जाता है। हमें इस तरह से स्वाइपिंग मोशन में मसाज करना है अपनी अंडर आइज को, अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से,
और इस तरह से आप अपने आईज के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये क्रीम बहुत सूदिंग है, बहुत नरिशिंग है, बहुत हाइड्रेटिंग है, और इस तरह से हमें 2-4 मिनट के लिए हमें इस तरह से मसाज करना है अपनी आईज पे। एवरी डे आपको करना है ये। इस तरह की स्वाइपिंग मोशन देनी है और हल्का सा एंड पे आके कॉर्नर पे आके हल्का सा स्ट्रेच करना है, और इस तरह से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशंस देने हैं, मूवमेंट देना है, मसाज करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये बहुत रिलैक्सिंग होता है, ये करने के बाद आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, और ये आपको एवरी डे करना है, मोस्ट प्रेफरेबल नाइट में करें। फ्रेंड्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप्स कि हमें कभी भी अपने अंडर आइज में डायरेक्ट आइस क्यूब नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसे लगाकर आप आराम से सो जाएं। डायरेक्ट आइस क्यूब यूज़ करने से हमें फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। अंडर आइज स्किन हमारी पतली होती है, हमारे ब्लड वेसल्स क्लॉट कर सकते हैं और हमारा डिस्कलरेशन और डार्क सर्कल बढ़ सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।